इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम पार्ट 3। और इस पार्ट में हम छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल्स, मसल फैटीग, कोरी साइकिल और रिगर मॉर्टिस। तो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए ये छोटे छोटे टॉपिक बहुत ही यूज़फुल होंगे। मस्कुलर सिस्टम पार्ट 1 में हमने टाइप्स ऑफ मसल्स डिस्कस करी थी। तो तीन तरह की मसल्स हमने देखी थी, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। मस्कुलर सिस्टम पार्ट 3 में अब हम टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल्स डिस्कस करेंगे। तो दो तरह की स्केलेटल मसल्स होती हैं, रेड मसल्स और वाइट मसल्स। तो सबसे पहले रेड स्केलेटल मसल्स को डिस्कस करते हैं। इन्हें हम एरोबिक मसल या स्लो ट्विच मसल्स भी कहते हैं। अभी कारण जानेंगे जब हम स्केलेटल मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि इन्हें हम एरोबिक या स्लो ट्विच मसल्स भी क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले जो पहली करेक्टरिस्टिक फीचर है रेड स्केलेटल मसल्स की, कि ये डार्क कलर की होती हैं। डार्क रेड कलर होता है इनका। स्केलेटल मसल्स हैं तो डेफिनेटली ये स्ट्राइटेड ही होंगे, और इनमें मायोग्लोबिन पिगमेंट और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। मायोग्लोबिन के बारे में थोड़ा बताते हैं। ये हीमोग्लोबिन जैसा ही एक पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड एक पिगमेंट है। जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर मॉलिक्यूल है, बिल्कुल उसी तरह से मायोग्लोबिन भी ऑक्सीजन स्टोर करता है स्ट्राइटेड फाइबर्स में। और माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस है ही, तो जो ATP जनरेट करता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेड स्केलेटल मसल्स के पास काफ़ी सप्लाई होती है ATP और ऑक्सीजन की। इस वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो अधिकतर रेस्पिरेशन होता है वह एरोबिक ही होता है। इस वजह से हम इन्हें रेड स्केलेटल मसल्स को एरोबिक मसल्स भी कहते हैं। दूसरा फीचर इनका देखते हैं, तो ये जो मसल्स होती हैं इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन का रेट होता है वह स्लो होता है। ये बहुत स्लो रेट पर कॉन्ट्रैक्ट कर पाती हैं और लॉन्गर पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर पाती हैं बिना थके। इन मसल्स में थकान नहीं होती है जल्दी से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेशन जो है वह एरोबिक होता है। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा तो लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। तो अगर हमारे 11th के स्टूडेंट्स को पता हो थोड़ा कि जो मसल फैटीग होती है, जो मसल थकान जो होती है हमें, वह लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से होती है जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बन रहा होता है। तो रेड स्केलेटल मसल्स में अधिकतर रेस्पिरेशन एरोबिक होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो यह मसल्स लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर पाती हैं। लेकिन इनका ड्रॉबैक यह है कि इनका जो कॉन्ट्रैक्शन रेट है वह बहुत ही स्लो होता है। इस वजह से इन्हें हम स्लो ट्विच मसल्स भी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इन मसल्स का। तो जो हमारी जो बैक मसल्स होती हैं, जो हमारी पीठ पे जो मसल्स होती हैं, वह मसल्स रेड स्केलेटल मसल्स हैं। उसी तरह से जो काइट जो बर्ड होती है उनकी जो फ्लाइट मसल्स हैं वह भी रेड स्केलेटल मसल्स हैं। तो जो बैक है हमारी, जब हम पोस्चर मेंटेन करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बैठे हैं, खड़े हैं, तो जो हमारी जो बैक मसल्स हैं वह हमेशा कॉन्ट्रैक्शन में होती हैं, कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। तो अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि हम बिना थके लगभग पूरे दिन अपने बॉडी पोस्चर को मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि यह रेड मसल्स की बनी होती हैं। रेड मसल्स में मायोग्लोबिन ऑक्सीजन का सप्लाई सफिशियंट है, और ATP भी का कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी अधिक है। तो बिना थके ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कर पाती हैं। दूसरी टाइप की जो मसल्स हैं वह हैं वाइट स्केलेटल मसल्स। इन्हें हम फास्ट ट्विच मसल्स भी कहते हैं। तो इनकी फीचर्स देखते हैं। तो ये लाइट कलर की होती हैं, ये लाइट पिंकिश कलर की होती हैं, और इनमें मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया का जो कॉन्सेंट्रेशन है वह कम होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ATP की जो सप्लाई है, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो ATP की सप्लाई है वह लिमिटेड है वाइट स्केलेटल मसल्स के लिए। और दूसरा फीचर यह है कि इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो कैल्शियम आयन की सप्लाई इनके पास ज़्यादा है, तो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है इन मसल्स में। तो ये फास्ट एक्शन के लिए ये मसल्स अडाप्टेड हैं।
और फास्ट कॉन्ट्रैक्शन और फिज़िकल एक्टिविटी के लिए जो मसल्स काम करती हैं, जैसे हमारा बाइसेप मसल्स और जो हमारे पैरों की जो मसल्स हैं वह वाइट स्केलेटल मसल्स होती हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी थक जाती हैं। शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन यह बहुत जल्दी थक जाती हैं ये मसल्स, क्योंकि मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया की सप्लाई कम है। तो जब हम स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम बहुत देर तक दौड़ रहे हैं, तो अब एरोबिक जो सप्लाई होगी एटीपी की वह कम पड़ेगी, और अब जो मोस्ट ऑफ द सप्लाई होगी एटीपी की वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू होगी। और हम जानते हैं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बनता है, तो जब वो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो अब ये वाइट स्केलेटन मसल्स थकनी शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से वाइट स्केलेटल मसल्स जल्दी थकती हैं, और लेकिन इनका जो कॉन्ट्रैक्शन का रेट होता है वह बहुत फास्ट होता है। तो फास्ट एक्शंस के लिए अडाप्टेड हैं वाइट स्केलेटल मसल्स, और स्लो सस्टेन्ड एक्शंस के लिए अडाप्टेड हैं रेड स्केलेटल मसल्स। वाइट स्केलेटल मसल्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, जैसे हमारे ह्यूमन के केस में बाइसेप्स मसल्स, और जो स्पैरो होती है, जो गौरैया एक चिड़िया जो होती है, उसकी जो फ्लाइट मसल्स होती हैं वह भी वाइट स्केलेटल मसल्स हैं। स्पैरो को अगर आपने कभी उड़ते हुए देखा हो तो वो बहुत जल्दी जल्दी पंख अपने फड़फड़ाती हैं और बहुत फास्ट एकदम से उड़ जाती हैं, तो उनमें जो मसल्स होती हैं वह वाइट स्केलेटल मसल्स होती हैं, उनकी फ्लाइट मसल्स। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। मसल फैटीग के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। तो जैसे अभी अभी हमने देखा कि वाइट मसल फाइबर्स में मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, तो जब ये मसल फाइबर्स स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जैसे हम दौड़ रहे हैं, तो उस दौरान अब एरोबिक जो एटीपी सप्लाई होगी वह सफिशिएंट नहीं होगी, और ये मसल फाइबर्स अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देंगी, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बनता है, और जब ये लैक्टिक एसिड मसल्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो अब हमारी मसल्स क्रैम्प्स की फीलिंग आएगी हमारी मसल्स में, और जिसे हम कहते हैं कि मसल हमारी अब थक चुकी हैं। तो इसी चीज़ को एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से मसल फैटीग होता है। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जब जैसे हम थके होते हैं, तो थकान तो वैसे तो जब हम आराम करेंगे, जब हम बैठ जाएंगे स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करके, तो ये थकान अपने आप ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के दौरान लैक्टिक एसिड उस मसल के एरिया से ड्रेन कर दिया जाएगा और इस लैक्टिक एसिड को लिवर तक पहुंचा दिया जाएगा। अब आगे इस लैक्टिक एसिड का क्या होगा वो आगे हम कोरी साइकिल में डिस्कस करेंगे। तो लेकिन जो फैटीग होती है, जो थकान होती है, उसे हम कुछ तरीकों से बहुत जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि थकने के बाद अगर हम उस मसल की मसाज कर लें, या हम उसे उस गर्म पानी में अपने पैरों को रख दें थोड़ी देर के लिए, तो थकान बहुत जल्दी उतर जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम मसाज कर रहे हैं तो उस एरिया का जो ब्लड सर्कुलेशन है वह फास्ट हो जाता है। उसी तरह से जब हम पैरों को गर्म पानी में रखते हैं तो गर्म पानी की वजह से भी उतने एरिया का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने की वजह से जो लैक्टिक एसिड है वो बहुत जल्दी उस एरिया से ड्रेन हो जाएगा, और लैक्टिक एसिड के ड्रेन होते ही हमारी थकान उतर जाएगी, हमारी थकान का जो एहसास है वह ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हम अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहते थे मसल फैटीग के बारे में। अब इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम कोरी साइकिल डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनमें अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाए स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज के दौरान तो लैक्टिक एसिड बनता है। तो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये लैक्टिक एसिड अब लिवर तक पहुँचा दिया जाएगा। अब लिवर में जब ये लैक्टिक एसिड आएगा तो लिवर कुछ मेटाबॉलिक पाथवे को यूज़ करके इस लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, और यह ग्लूकोज लिवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाएगा। और जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा तो ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा, और ब्लड के थ्रू यह वापस मसल में पहुंच सकता है। कुछ इसका पोर्शन मसल में आ जाएगा और कुछ ग्लूकोज पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा। तो अब जब भी ये मसल
स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करेगी, और अगर ग्लूकोज को एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ग्लूकोज का, तो वापस से ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो मसल और लिवर के बीच में ये जो लैक्टिक एसिड का सर्कुलेशन है और इसका वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, इसी साइकिल को हम कोरी साइकिल कहते हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है कोरी साइकिल का, तो इस साइकिल को हम कोरी साइकिल कहते हैं। अब हम रिगर मॉर्टिस डिस्कस करते हैं। किसी भी इंडिविजुअल की जब डेथ होती है तो कुछ समय बाद डेड बॉडी स्टिफ होनी शुरू हो जाती है, अकड़ना शुरू हो जाती है, और इसी स्टिफनेस को हम रिगर मॉर्टिस कहते हैं। तो इस डिस्कशन में हम साइंटिफिक रीजंस को जानेंगे कि रिगर मॉर्टिस क्यों होती है। तो डेथ के बाद कुछ समय बाद ऑटोलिसिस शुरू हो जाती है। ऑटोलिसिस का मतलब है कि जो टिश्यूज़ हैं वो उनका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। तो जब टिश्यूज़ का ब्रेकडाउन हो रहा है तो मसल फाइबर्स भी ब्रेकडाउन हो रहे हैं, उनका भी ब्रेकडाउन शुरू हो गया है। एज अ रिजल्ट जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल फाइबर के अंदर, वह भी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन अब सार्कोप्लाज्म में आ जाएंगे बिना किसी न्यूरल स्टिमुलेशन के। और पार्ट टू में, जो मस्कुलर सिस्टम पार्ट टू में जब हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन का पूरा फिजियोलॉजी डिस्कस करी थी, अब वहाँ से कोरिलेट करना शुरू कर दीजिए। तो जब कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो ये ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा, और ट्रोपोनिन से बाइंड करते ही मायोसिन जो हेड है वह एक्टिन से बाइंड होकर क्रॉस ब्रिजेस बना लेगा, और क्रॉस ब्रिज के बनते ही मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मसल ये जो क्रॉस ब्रिज टूटने के लिए अब एटीपी की सप्लाई चाहिए। पार्ट टू को रिकॉल कीजिए जब हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन की पूरी फिजियोलॉजी डिस्कस करी है। तो अब इस क्रॉस ब्रिज को टूटने के लिए एटीपी की सप्लाई चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल की डेथ हो चुकी है तो एटीपी की सिंथेसिस स्टॉप हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो अब ये जो क्रॉस ब्रिज है ये टूटेगा नहीं, और मसल बिल्कुल वैसी ही अकड़ी रह जाएगी, उसका कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रह जाएगी। तो इस वजह से जो डेड बॉडी है वह अकड़नी शुरू हो जाती है, और क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो तो गया है लेकिन मसल वापस से रिलैक्स नहीं हो पा रही है, और इस वजह और इसी रिजिडिटी को हम रिगर मॉर्टिस कहते हैं। और कुछ समय बाद अब जो शरीर है वह पूरी तरह ही डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो रिगर मॉर्टिस लगभग 24 घंटे तक रहती है, और उसके बाद टिश्यू पूरी तरह से ना शुरू हो जाते हैं।